वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम आए हुए हैं एक गांव में जहां पे वृद्ध माताएं हमारी दादी के समान हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने वोट डाला है। इन लोग की उम्र 95-85 के आसपास है, और मेरी आज परसों राष्ट्रीय महिला दिवस है, और कल 7वें चरण का मतदान होना है, लास्ट चरण का मतदान है, उसके बाद 2 दिन बाद गिनती होगी और सरकार का गठन होगा। तो माता ला मुझे बड़े जब पता चला कि इतनी वृद्ध माताओं ने बहुत ही तत्पुरुषता से इनको वोट डालने की, और इन्होंने गए पंक्ति पर लगकर प्रथम श्रेणी में इन्होंने वोट डाला, और ये मैं इनका सम्मान करने का मेरा अंदर भाव इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इन्हें बुजुर्ग होते हुए भी इन्होंने लोकतंत्र के महत्व के बारे में इनको पता है। इन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्होंने मतदान किया। तो जहाँ मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, इनके चरण छू के आशीर्वाद ले रहा हूँ इनसे, वहीं पे उनको गमछा दे, अंगवस्त्र दे के इनका सम्मान भी कर रहा हूँ माता जी का, और आशीर्वाद ले रहा हूँ कि, और माता जी का कहने इसलिए सम्मान किया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे, और कल मतदान भी है 7वें चरण का, तो ये माता जी लोग कह रही है कि सब युवा युवती आगे आए, लोकतंत्र को मजबूत करें और वोट दें। माता जी आपने जो चुनाव मतदान दिया है उस निशान दिखा दीजिए, निशान दिखाई माता जी कहाँ है उनको, ये मतदान का निशान माता जी का। तो इसी खुशी में हमने इनको सम्मान करने आए कि इतनी वृद्ध होते हुए जहाँ आज नौजवान टीवी रेडियो मोबाइल पे व्यस्त है और वोट डालने में जरा हिचकिचाता है, वहीं पे इतनी वृद्ध माताएं हमारी दादी समान के पंक्ति में रुक कर सुबह उठ के तुरंत मतदान करने गई। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कल 7वें चरण का मतदान है, सब लोग उठें मतदान करें, कोई भी मतदान से वंचित ना रहे, इनका ये संकल्प है और इनका ये कहने का है। माता जी आप कुछ कहेंगी लड़कों लड़कियों, कल जो मतदान है लास्ट चरण का, आप भी थोड़ा कह दीजिए समाज को। हाँ सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग मतदान करें, मतदान करें, लड़कन के साथ के जा बच्चा मतदान करते हैं, गरीब नहीं सब जाए लड़कन गए हैं मतदान करें। माता ने वोट दिया है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके दर्शन करने का, हमने कहा क्यों ना माता की कुछ सेवा की जाए, क्योंकि सेवा भी बहुत कर्मों से मिलती है, एक भाव होना चाहिए कि, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिसकी हम शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता, इनके त्याग, इनके बलिदान, इनके संघर्ष का, क्योंकि इतनी वृद्ध है अपने आप जा भी नहीं सकती, तो इनके जो नाती पोते हैं इनको ले के गए, और देखिए उत्सुकता है, जब अंदर से अगर इच्छा नहीं होगी तो कोई ले जाके किसी को कुछ नहीं कर सकता। इनके अंदर सभी इन्होंने अपने पोतों को उठाया, अभी 18 साल से छोटे हैं पोते, उठाया उनको ले के गई उनको साथ में, और मतदान करके आया। मुझे अब जानकारी हुई तो मैंने कहा कल 7वें चरण का मतदान है, इन्हीं के माध्यम से समाज को प्रेरित करने का एक संदेश दिया जाए, तो मैंने इनका सम्मान किया, इनका आशीर्वाद दिया चरणों का, और इनसे संदेश दिया। आप लोग भी माता जी कह दीजिए कल मतदान अवश्य करें 7वें चरण का है, बोलिए माता जी आप भी मतदान करे, चले हैं जाएंगे तो लड़कों को लेके जाएंगे, माता के साथ जवाब हाथ आई ठीक से सेवा कराए ये माता के, ठीक माता आशीर्वाद दे है ना, धन्यवाद।